उतार चढ़ाव से भरपूर रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की निजी जिंदगी। दो असफल शादियों के बीच नवाज पर लगे गंभीर आरोप। बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी दमदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाने वाले नवाज आजकल कई सवालों के घेरे में खड़े हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन पर गंभीर आरोप लगाने वाले कोई गैर नहीं बल्कि उनके अपने हैं। नवाज की पत्नी आलिया ने उनके खिलाफ तलाक का केस फाइल किया है, साथ ही इस शादी को अब रहने लायक नहीं बताया है। इस शादी को लेकर आलिया ने कई सवाल उठाए हैं। फिलहाल नवाजुद्दीन अपने परिवार के साथ होम क्वारंटाइन में है। नवाज ने मुंबई से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के लिए 11 मई को लंबा सफर तय किया था, इसीलिए एहतियातन नवाज और उनके परिवार को 25 मई तक के लिए क्वारंटाइन किया हुआ है। नवाज और उनका परिवार एक साथ ईद का त्योहार मनाना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि ये ईद का त्योहार उनके लिए जरा भी खास नहीं होने वाला। भले ही नवाज कंट्रोवर्सी और लाइमलाइट से दूर रहना ही बेहतर समझते हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही दिक्कतों ने उनको कंट्रोवर्सी में ला खड़ा किया है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच चलिए आज हम आपको नवाज की लव लाइफ की सारी हलचल बताते हैं। ये उन दिनों की बात है जब नवाज का फिल्मी करियर ज्यादा पीक पर नहीं था। अंजलि नाम की एक लड़की से नवाज प्यार कर बैठे। दोनों उन दिनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे, लेकिन दोनों के बीच नोकझोंक हुई और अंजलि नवाज को छोड़कर चली गई। नवाज ने कई बार उन्हें घर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि नहीं आई। भले ही अंजलि और नवाज प्यार में थे, लेकिन ना जाने क्यों अंजलि वापस नहीं लौटी। नवाज इंतजार में बैठे रहे, कोशिश करते रहे और थक हार कर नवाज ने भी आगे बढ़ने में भलाई समझी और ऐसे इस लव स्टोरी का दी एंड हो चुका था। ब्रेकअप के बाद जैसे कि हर आशिक के साथ होता है, वो घर वालों के कहने में आकर अरेंज मैरिज कर लेता है। कुछ ऐसा ही नवाज के साथ भी हुआ। नवाज की मां ने उनके लिए शीबा नाम की एक लड़की को चुना। ये उस दौर की बात है जब नवाज फिल्म पतंग की शूटिंग शुरू करने वाले थे। सब कुछ ठीक था, दोनों की शादी हो गई, लेकिन दो महीने बाद शीबा और नवाज की शादी में दिक्कतें आने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि शीबा के भाई का नवाज और शीबा की लाइफ में कुछ ज्यादा ही योगदान था, इसीलिए ये शादी टूटी। नवाज को शीबा से डिवोर्स से भी ज्यादा उन पर लगे आरोपों ने हैरान किया। कोर्ट में शीबा पक्ष की तरफ से कहा गया कि नवाज और उनके परिवार ने उनको टॉर्चर किया है। आखिरकार ये शादी पूरी तरह से टूट गई और गंभीर आरोपों ने नवाज के मन से भी शीबा का ख्याल खत्म कर दिया। कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। पहली शादी शीबा से टूटने के बाद नवाज की जिंदगी में फिर से एंट्री हुई अंजलि की। वही अंजलि जो कुछ साल पहले उनको छोड़कर चली गई थी। बेहद जादुई तरीके से अंजलि नवाज की जिंदगी में वापस लौट आई और दोनों ने साल 2010 में शादी कर ली। शादी के बाद नवाज ने अंजलि को जैनाब नाम रखने की सलाह दी, लेकिन अंजलि ने अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया। 2017 तक तो दोनों की शादी आराम से चली, लेकिन 2017 से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। खबरें आई नवाज एक्ट्रेस सुनीता राजवर के साथ रिलेशनशिप में थे। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने साथ में ड्रामा स्कूल में क्लास ली थी। दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें आ ही रही थी कि अचानक एक दिन दोनों के बीच सब खत्म हो गया। यहाँ तक कि राजवर की तरफ से कहा गया कि नवाज उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए नवाज पर सुनीता ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और 2 करोड़ रुपए वसूल लिए। दूसरी तरफ नवाज और उनकी पत्नी के बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। इसी बीच नवाज का नाम एक कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड रैकेट में सामने आया। पुलिस की तरफ से नवाज को लीगल नोटिस भेजा गया। जांच हुई तो सामने आया कि नवाज ने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल्स पर नजर रखी हुई थी। ये सुनने के बाद रिएक्ट करने के बजाय आलिया ने अपने पति नवाज का साथ दिया और सोशल मीडिया पर सफाई पेश की। सबको लगा कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आलिया ने अपनी शादी को अब रहने लायक ना बताते हुए नवाज से डिवोर्स लेने का फैसला किया है। आलिया के वकील ने 7 मई को ही नवाज को नोटिस भी भेज दिया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। खबरें हैं अभी तक नवाज ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें दोनों के 2 बच्चे भी हैं। कुछ दिनों पहले निहारिका नाम की एक एक्ट्रेस ने भी नवाजुद्दीन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बताया था कि शादीशुदा होने के बावजूद वो कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे। ये जानने के बाद जब निहारिका ने उनसे अपना रिश्ता खत्म करने की बात कही तो वो उनको
झूठ पर झूठ बोलकर बहलाने लगी। हालांकि निहारिका ने नवाजुद्दीन के झूठ पकड़े जाने के बाद उनसे हर रिश्ता खत्म कर लिया था। इन सभी गंभीर आरोपों के बीच आपको ये भी बता दें कि आज नवाजुद्दीन अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। हालांकि वो परिवार के साथ क्वारंटाइन में है। जिंदगी की उलझनों के बीच नवाज को 46वें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। E24 के लिए नम्रता शर्मा की रिपोर्ट।